हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ब्लॉग साई कीर्ति ब्लॉग। आप सबका मेरे ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। आई होप कि आप सब स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, हंस पुष्ट होंगे, खुश खुशहाल होंगे और दिवाली की साफ सफाई में लगे होंगे। दिवाली आने वाला है कुछ दिन में, करवा चौथ चला गया, अब 30 को है कि 31 को है, 31 को है कि 1 को है दिवाली, ये कन्फ्यूज़न है। लेकिन कोई नहीं, साफ सफाई में लगी है सब, जैसे कि हम भी लगे हुए हैं, थोड़ा थोड़ा करके कर रहे हैं। आज देखते हैं आज कौन सा करना बाकी है मेरा, तो जो करेंगे आपको दिखाएंगे। तो चलिए, अभी तो हम सब्जी बना रहे हैं और एक बार फिर चाय पी रही हूँ। एक बार चाय पी ली, उस समय नींद उड़ाना था, अब नींद उड़ गया है, अब थोड़ा एनर्जी लेंगे काम के लिए। तो हम और मेरे हस्बैंड जी थोड़ा थोड़ा चाय पी लेते हैं और हम क्या बना रहे हैं आपको दिखाते हैं। अभी फिलहाल चाय खोल गया है, चाय देते हैं और यहाँ पे लौकी, आलू की टमाटर डाल के सब्जी बना रहे हैं। ये फ्राई हो रहा है कुकर में, इसलिए बना रहे ना डायरेक्ट, क्योंकि लौकी थोड़ा सा कड़क कड़क है तो 3-4 सीटी में अच्छे से गल जाएगा। बीज वाला था लौकी इस वजह से। तो चलिए, इसमें मेरा मसाला दानी में से लाल मिर्ची, धनिया और हल्दी, बाद में किचन किंग डालेंगे, अभी इतना डाल के थोड़ा हल्का फ्राई कर लेते हैं। नमक भी डालना बाकी है। चलिए, इधर ये धीमा धीमा फ्राई मसाला फ्राई हो रहा है और तब तक हम चाय का तैयारी करें, फिर आटा तैयार करें। चलिए, थोड़ा सा एक चम्मच किचन किंग डाल दिए और इस डब्बा में सेंधा नमक है, हाथ से लेके डालते हैं, चम्मच से नहीं डालेंगे, थोड़ा सा डालेंगे अंदाजे। अब इसको थोड़ा देर और फ्राई होने देंगे, ये पानी डाल के 3-4 सीटी लगा के मेरा सब्जी रेडी। चलिए, अब मेरे को थोड़ा सा आटा मारना है और बेटा के लिए दाल चावल बनाना है, तो दाल और चावल को धो के सोख करने रख देते हैं और फिर अपना ये सब करने के बाद हस्बैंड जी को टिफ़िन और नाश्ता दे के, नाश्ता करवा के टिफ़िन दे के, उसके बाद फिर हम नहा के पूजा का तैयारी करें, मंदिर का भी हम पूजा करके हम भी कुछ खा पी लेंगे, उसके बाद मंदिर का सफाई का अभियान चालू करेंगे। मेरा ये जो किचन है ये तो संडे को होगा, जो नीचे का 4 ट्रॉली बचा है वो हम संडे को करेंगे। मंदिर पकड़ लेते हैं आज, तो मंदिर वाला रूम जो है जैसे आपको दिखा देते हैं। देखिए, ये जो मेरा छोटा सा मंदिर है, फिर ये कुर्सी है बाबा का वो साफ करेंगे, फिर ये चादर चेंज करेंगे, ये पलंग साफ करेंगे, ये जो अलमारी है वो, और ये जो छोटा सा टीवी कॉर्नर वाला अलमारी है वो सब साफ करेंगे, और ऊपर ऊपर का मेरे हस्बैंड जी करेंगे फ़ोटो वगैरह सब, वो तो बाद में करेंगे। तो ये जो मेरा जो जितना मेरे से हो सकता वो हम आज निपटा देंगे, तो ये मंदिर का मेरा ऑलमोस्ट काम हो जाएगा, बस खिड़की और पर्दा बाद में होगा। चलिए फ्रेंड्स, 12 बज गया है, मेरा सब हो गया, पूजा पाठ वगैरह कर लिया, अब खाना खा लेते हैं और उसके बाद फिर हम मंदिर के सफाई में लगेंगे, क्योंकि उसमें तो टाइम लगेगा, कबर्ड है दो जैसे आपको दिखाया था, वो कर लेंगे आज, जितना होता है मंदिर का पूरा कंप्लीट कर लेंगे शाम तक में। तो अभी हम खाने बैठे हैं और उसके बाद कपड़ा मशीन में वॉश हो रहा है, वो स्पिन हो जाएगा तो वो सुखा के वहाँ से फ्री हो जाएंगे और फिर हम किचन में मंदिर के रूम में सफाई में लग जाएंगे, तो हो जाएगा तो एक टेंशन मेरा कम हो जाएगा। तो चलिए, हम क्या खाने बैठे हैं आपको दिखाते हैं। देखिए, लौकी आलू की सब्जी, हम अपने लिए फ्रेश टमाटर, एकदम कड़क कड़क टमाटर है वो, उसका सलाद हमको अच्छा लगता है तो वो, और ऑनियन ले लिए हैं, धनिया की चटनी इतनी बची हुई थी तो वो ले लिया, और अपने लिए बड़ी बड़ी 4 रोटी बना लिए, इतना में मेरा पूरा शाम निकल जाएगा। तो चलिए, हम खाना खाने बैठते हैं, फिर दूसरा काम खाने के बाद वो निपटा लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। चलिए फ्रेंड्स, मेरा कपड़ा सुखाना हो गया है, बेटा के लिए दाल चावल बना दिए हैं, अभी झाड़ू पोछा वाली मेड आके गई, अब
बर्तन वाले आने वाली है, तो कुकर में चावल बनाए तो वो खाली करके दूसरे बर्तन में निकाल के कुकर धोने में डाल देते हैं। और अब हम चले मंदिर की सफाई करने, 1 बज गया है। देखिए फ्रेंड्स, 1 बजे से लगे थे, सब खिड़की उड़की साफ़ कर दिए, पर्दा यहाँ पे निकाल दिए, पर्दा यहाँ धोने में निकाल दिए, सब साफ कर दिए, सेट कर दिए। ऊपर वाला तो मेरा हस्बैंड जी करेंगे, वो बहुत बड़ा बड़ा थाली वगैरह है, मेरे से नहीं उतरेगा। इसके अंदर भी हमने अलमारी में भी अच्छे से जो जैसा था, बिखरा बिखरा था, उसको अच्छे से समेट दिया। पूजा का सामान ये सब उसमें रखा है। ये तो चादर कल रात को भिगो देंगे, सवेरे खंगार के निकाल देंगे। यहाँ पे भी चादर नया डाल दिए हैं, सब फोटो वोटो साफ कर दिए हैं। मतलब हम 1 बजे से लगे थे, 4:30 होने को आया, थक गए हम। तो साईं बाबा का जो फोटो यहाँ मूर्ति यहाँ था, साफ़ सफाई करके वहाँ रख दिए, और ये फ़ोटो को यहाँ रख दिए साईं बाबा का, सत्य साईं बाबा का। चलिए, मेरा पूरा अच्छे से क्लियर हो गया, सुंदर सा सजा के सब फोटो सामने सामने से हम ये कर दिया। अभी एक बार मेरे हस्बैंड जी पहुँच के जब दिवाली धनतेरस वाले दिन टीका कर देंगे। चलिए, थक गए हम, चलिए थोड़ा देर हम आराम कर लेते हैं, शाम का टाइम हो गया, आई ड्रॉप डाल लेते हैं, फिर मिलते हैं। 4:30 हो रहा है, तो आराम से हम आधा घंटा आराम करके फिर उठेंगे। हाँ, चलिए मिलते हैं आपसे, 6 बजे करीब तक मिलेंगे, थक गए बहुत, मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक। चलिए, 6:30 हो गया है, हमने संध्या बत्ती दे दिया है, अब डिनर का तैयारी करेंगे। हम इतना थक गए ना, हम नींद चढ़ा था लेकिन हम सो नहीं पाए, हमें फिर सो जाएंगे तो फिर उठना रह जाएगा, मीन्स उठेंगे तो फिर आलस चढ़ेगा, वैसे भी आलस ही चढ़ गया है। तो अपने लिए चाय बना लिए हैं, मीठा नहीं हुआ, मीठा करना पड़ेगा, मीठा करेंगे तब पीते हैं। और ये वाला ब्रेड बचा हुआ था, तो एक ब्रेड हम खा लेंगे चाय के साथ, क्योंकि भूख बहुत लग रहा है और अभी खाने में कुछ नहीं है, बनाएंगे तो खाएंगे। तो क्या बना रहे हैं आपको बताते हैं, पहले हम चाय में चीनी डाल लें, चाय मीठा नहीं हुआ है, उसके बाद आपसे मिलते हैं, क्या बना रहे वो दिखाते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आलू बैंगन को धो के काट लिया है, पानी में डाल दिए हैं, और यहाँ पे हमने आटा भी रेडी कर लिया है। अरे खुल जा भाई साहब, बस थोड़ा सा खुल जाए तब तेल डाल के चिकना देंगे। बेटा के लिए चावल बनाए थे, तो चावल तो खा लिया था दाल चावल, लेकिन थोड़ा सा रखा है, तो चावल तो ज़्यादा ही हम बनाए थे, ये मेरे हस्बैंड जी को खाना पड़ता है, एक टाइम चावल तो उनको चाहिए। चलो हम जाते हैं, थोड़ी देर में बनाते हैं, 7 बजे बनाएंगे, अभी तो 6:30 हुआ है, 10 मिनट बाकी है 7 बजने में। जल्दी जल्दी हम सब्जी बना लेते हैं, मैं थक गया, इतना नींद आ रहा है, अभी फ़िलहाल इतना नींद आ रहा है, जब सोने जाएंगे ना तो आँख से गायब हो जाएगा नींद। चलिए, जब बन जाएगा खाना, जब खाने बैठेंगे तब मिलेंगे, क्योंकि जल्दी निपटाएं सब, भाई साहब बहुत थक गए हैं। 1 बजे से लगे हुए थे, 4:30 बजे मंदिर का पूरा टोटल सफाई कर दिया अच्छे से, खाली हमको ये जो फ़ोटोज़ ऊपर है वो मेरे हस्बैंड जी गीला कपड़ा सब पोंछ देंगे, और अलमारी के ऊपर जो सामान दिखाया था आपको वो मेरे हस्बैंड जी उठा, मतलब बहुत भारी है ना तो मेरे से नहीं उतरेगा। तो बेटा को बोले थे विंडो साफ़ करने, तो ये हॉल का विंडो और मेरे रूम का विंडो साफ़ कर रहा था, किचन का विंडो बचा है बस, तो किचन का विंडो मेरी मेड है ना रीना, उससे बोला है, वो बोली भाभी मैं कर दूँगी, तो किचन का ऊपर का एरिया और विंडो वो साफ़ करेगी, चिमनी के पास आस चिमनी साफ़ कर देगी, बाकी सब फिर मेरा लगभग ख़त्म। बस ये स्टोर रूम का नीचे दिखाया था ना वो कचरा, वो सब छांट के फेंकना है, और नीचे का ट्रॉली बस, बाकी सब कंप्लीट, जहाँ तक याद है हमको तो कंप्लीट हो गया। नहीं, ये एक बाकी है ड्रॉवर, टीवी का जो नीचे 2 ड्रॉवर है ना,
वो बाकी वो तो बैठे बैठे मेरा हो जाएगा। वो भी अभी कुछ दिन पहले ही साफ़ किए थे तो गंदा नहीं है, फिर भी देखेंगे। मेरा बेटा जब ड्रॉर खोलता है कुछ चीज़ ढूंढने के लिए तो उथल पुथल मचा देता है, तो वो खोल के देखना पड़ेगा उसका हालत क्या है। चलिए बाकी तो सब टोटल कंप्लीट, बस ये जो छोटे मोटे हैं वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो फिर अब आज धूप छाँव था, कल से अगर प्रॉपर धूप निकला तो मेरे को ये सोफ़ा का जो मैट है ये धोना है। बस पर्दा मंदिर का तो मेरे हस्बैंड जी धो देंगे, रात को हम सर्फ में डिप कर देंगे, सवेरे वो धो देंगे। दैट्स इट, सब कंप्लीट, थक गए पापा। चलिए मिलते हैं खाना खाते वक्त। चलिए मैंने बैंगन आलू की सब्जी, कलौंजी बैंगन वाली बनाए हैं, जीरा राइस, ऑनियन। बेटा को पराठा बना के दिए तो अपने लिए भी एक पराठा बना लिया। चलिए हम खाना खा लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। चलिए फ्रेंड्स, हमने बर्तन नहीं धोया क्योंकि अब जा रहे हैं, हम सोएंगे, बहुत थक गए हैं। मेरे को अब जैसे तैसे तुम खाना बनाए हैं और आगे का ज़्यादा बर्तन नहीं है तो कल धोएंगे, हम थक गए। फटाफट ये ब्लॉग को एंड करें, अपलोड करें, मतलब एडिट करके छोड़ देंगे 12 बजे, अपलोड करेंगे तब तक एक नींद मार लेंगे हम। तो चलिए आज का ब्लॉग यही एंड करते हैं, और आई होप कि आप सबको मेरा ब्लॉग अच्छा लगेगा। जो भी मेरे चैनल पे नए जुड़े हैं कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, प्लीज़ मेरे को अच्छे अच्छे कॉमेंट्स करें, प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें। चलिए कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर, स्वीट ड्रीम्स, सी यू एंड लव यू ऑल, बाय, गुड नाइट, सी यू।